रणवीर दीपिका के बाद शादी के लिए तैयार हैं मिस अर्थ तन्वी व्यास। बॉलीवुड में अभी शादी का मौसम चल रहा है। एक तरफ जहां दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास शादी के मंडप में बैठने के लिए तैयार हैं, वहीं मिस इंडिया तन्वी व्यास के विवाह की भी घोषणा हो चुकी है। पूर्व एमिना मिस इंडिया अर्थ तन्वी व्यास एक्टर हर्ष नागर के साथ दाम्पत्य सूत्र में बंधने जा रही है। ये कपल 12 दिसंबर को शादी के बंधन में बंधने जा रहा है। कहते हैं कि जब आपका भाग्य व आपकी मेहनत दोनों आपका साथ दें, तब दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। मिस इंडिया अर्थ 2008 बनने का गौरव पाने वाली तन्वी एक ऐसी ही लड़की है जिसने अपने सपनों को हकीकत बनाया। तभी तो पेशे से ग्राफिक डिजाइनर तन्वी के लिए मिस इंडिया अर्थ बनना किसी आश्चर्य से कम नहीं था। अभिनेता हर्ष नागर के साथ अपनी शादी के बारे में बात करते हुए तन्वी ने हर्ष से अपनी पहली मुलाकात का जिक्र किया। तन्वी ने बताया कि हर्ष से उनकी मुलाकात मुंबई में एक शॉर्ट टर्म एक्टिंग कोर्स करने के दौरान हुई थी, जो बाद में प्यार और अब शादी में तब्दील होने जा रही है। हर्ष नागर की बात करते तो उन्होंने 2011 में शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की ऑलवेज कभी कभी के साथ अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। इसके बाद हर्ष ने संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी से अपना एक्टिंग कोर्स पूरा किया। हर्ष ने भी कई टीवी विज्ञापनों में काम किया है। एक लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे तन्वी और हर्ष इस दिसंबर में शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। तन्वी ने अपने अभिनय की शुरुआत तमिल फिल्म दी मनसुकुल वानथाई के साथ की थी, लेकिन आगे जाकर तमिल फिल्मों के अलावा उन्होंने भारतीय फिल्म उद्योग में भी काम किया। तन्वी ने फिल्में स्कैंडल और बेहद फेमस वेब सीरीज कर ले तू भी मोहब्बत में अपने अभिनय कौशल का प्रदर्शन किया।